मंगलवार से शुरू हुई बारिश बुधवार को भी जारी रहा, जिसके कारण कई जगहों पर बिजली के फॉल्ट हुए और महानगरवासियों को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता के अनुसार बुधवार की रात में और बृहस्पतिवार को भारी बारिश होने का पूर्वानुमान है, जिसका मौसम विज्ञान विभाग द्वारा अलर्ट जारी किया गया है, जिसके लिए जिला और नगर निगम प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। नदियों का जलस्तर भी खतरे के निशान से 1.5 से 2 मीटर नीचे है, लिहाजा घबराने की आवश्यकता नहीं है। जिला प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से टेलीफोन पर बात करते हुए जिला आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने कहा, अभी जो दिन भर से बादल जो छाए रहे और अभी मतलब छुटपुट वर्षा जो होती रहती है, ये वर्षा अगले मतलब कल तक ये कंटिन्यू रहेगी। और जैसा कि हमें अलर्ट प्राप्त हुआ है IMD द्वारा, मौसम विज्ञान विभाग द्वारा, जैसा हमें अलर्ट प्राप्त हुआ है, अभी ये थोड़ा सा हैवी रेनफॉल का अलर्ट है, लेकिन चूंकि अभी हमारी सारी नदियां जो हैं वो डेंजर लेवल से तकरीबन 1.5 से 2 मीटर नीचे हैं, तो ऐसी कोई अलार्मिंग सिचुएशन नहीं है। और लेकिन एहतियातन तौर पे सारे डिपार्टमेंट्स को अलर्ट कर दिया गया है और किसी भी ऐसी आकस्मिक परिस्थिति से निपटने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरीके से तैयार है। नगर निगम भी हमारे साथ अटैच्ड है और नगर निगम को भी हम लोग इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं और नगर निगम भी इस चीज से अवेयर है कि ये जो मौसम है वो थोड़ा हैवी रेनफॉल का है, मतलब ये जैसा IMD ने जो जारी किया है, तो नगर निगम की भी टीम पूरी अलर्ट है और मुझे उम्मीद है कि कहीं भी ऐसी कोई सिचुएशन अराइज नहीं होगी और जिला प्रशासन हर तरीके से जो बारिश हो रही है उससे निपटने के लिए तैयार है।